हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको झिलमिल ट्रैक पर लेकर जाऊँगा। तो फाइनली नीलकंठ महादेव जी से झिलमिल गुफा तक हम पैदल ट्रैक करने वाले हैं। नीलकंठ महादेव तक हम आए थे बाइक से, पर आगे का रास्ता बाइक के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए बाइक यहीं पर खड़ी कर दी है और यहाँ से झिलमिल गुफा तक हम पैदल जाने वाले हैं। काफ़ी हाइट पे जाके झिलमिल गुफा स्थित है। यहाँ के जो आसपास के जो पहाड़ हैं, उन सभी की सबसे ऊंची चोटी जो है, वहीं पर आपको झिलमिल गुफा देखने को मिलती है। तो ट्रैक रास्ता काफ़ी ख़तरनाक भी है और रास्ते में काफ़ी सारे मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। और मंदिरों की बात करें तो नरसिंह मंदिर, माता पार्वती मंदिर, गणेश मंदिर और सिद्धवली मंदिर आपको इस ट्रैक पर जाते हुए मिलने वाले हैं। तो सभी के दर्शन करते हुए लास्ट में हम पहुँचेंगे झिलमिल गुफा तक। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो के लिए एक लाइक अभी से कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर सामने ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है इस साइड में कौन कौन से मंदिर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का पहाड़ीनुमा पूरा ट्रैक आपको देखने को मिलेगा और आगे चल के ये पहाड़ी भी पार्वती मंदिर तक आपको देखने को मिलेंगी और पार्वती मंदिर के बाद ये पहाड़ी देखने को नहीं मिलेंगी। फिर जंगलों से होते हुए आपको घास खूंस से निकलते हुए झिलमिल गुफा तक जाना होगा। तो अगर आप नीलकंठ आते हैं और आपका भी विचार बनता है झिलमिल गुफा जाने का, तो ये वीडियो काफ़ी बढ़िया हो सकता है आपके लिए। काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल सकती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना, जिससे आपको पूरा ट्रैक समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस ट्रैक में सबसे पहले हमें मिला सिद्धवली मंदिर, जो बजरंगबली का मंदिर है। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं सिद्धवली के और उसके बाद आगे का ट्रैक हम चलेंगे। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए ट्रैक पर चलते हुए थकान भी काफ़ी महसूस हो रही है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही है सिद्धवली भगवान का मंदिर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो सिद्धवली महाराज का मंदिर, सिद्धवली बाबा का मंदिर जो यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। जय हो वीर बजरंग। तो दोस्तों, सिद्धवली महाराज के दर्शन हो गए हैं, मैंने आपको भी दर्शन कराए और अब आगे का ट्रैक हम चल रहे हैं। कुछ इस प्रकार का रास्ता भी देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर, कैमरे में शायद आपको इतनी चढ़ाई दिखाई ना दे रही हो, बट यहाँ पर एकदम खड़ी चढ़ाई है। जो रास्ते में वादियों के नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे। तो दोस्तों, सिद्धवली मंदिर से जो ये रास्ता आ रहा था, तो ये तो इधर को चला गया, लेकिन हम पैदल ट्रैक पर हैं तो हम इधर को जाएंगे। ये देख सकते हो, यहाँ से ट्रैक कटता है पैदल वालों के लिए। रास्ते से हमारे साथ में ये डॉगी हो गया है जो हमें रास्ता दिखा रहा है। ये देखो, चल, ये लेकर जा रहा है हमें पार्वती देवी के मंदिर तक। हमें रास्ते में ही मिला और हमारे साथ साथ चलने लगा। दोस्तों, जो ट्रैक करने का मज़ा है वो पैदल का ही है। अगर मैं चाहता तो सवारी से भी लोड फिर कर सकता था और सवारी से मुश्किल से मुझे एक घंटा लगता यहाँ से वापस जाने में, आकर मैं वापस चला जाता। और अभी मुझे एक घंटा हो चुका है पैदल ट्रैक करते हुए, अभी मैं पार्वती मंदिर तक पहुंच चुका हूं। और खुले में जो वादियों के नज़ारे दिखाई देते हैं वो आप किसी भी सवारी पर नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आप नीलकंठ तक आएँ तो नीलकंठ तक तो भले से आप सवारी से आ जाना, बट ऊपर का जो ट्रैक है, 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा आपको झिलमिल गुफा तक, वो पैदल ही करना। काफ़ी हसीन वादियों के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे और चढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा है, बट
यहाँ पर ताकत भी प्रदान होती है। माता यहाँ पर साथ रहती हैं हमेशा अपने भक्तों के और उनको एनर्जी देती हैं जिससे वो अपना ट्रैक पूरा कर सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हो यह है पार्वती देवी का मंदिर जो आपको ट्रैक में ही मिलने वाला है। तो माता के यहाँ भी माथा ज़रूर से टेक लेना। तो मैं दर्शन करता हूँ माता के और उसके बाद लेकर चलता हूँ आपको आगे के ट्रैक पे। मंदिर के अंदर जाकर वीडियो और फोटोग्राफी करना मना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सड़क मार्ग ही सीधा चला गया है और यहाँ से पैदल मार्ग फिर से कट गया है। ये सड़क मार्ग भी जा रहा है झिलमिल गुफा तक। तो बीच बीच में यहाँ पर पैदल मार्ग जो है सड़क मार्ग में मिल जाता है, तो आपको इस तरीके के बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, तो आप उनको फॉलो करके पैदल ट्रैक करते रहना। यहाँ पर जगह जगह आपको पहाड़ी घर भी देखने को मिलेंगे। देखो जैसे इस साइड में ये, उधर सामने देख सकते हो कुछ घर उधर हैं सामने। तो इस तरीके से यहाँ पर पहाड़ी लोग बाग भी रहते हैं, तो आप आराम के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। देख सकते हो जो चारों ओर का व्यू है काफ़ी अच्छा आ रहा है। इधर की साइड अगर देखोगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे और आप ट्रैक भी करोगे तो चारों तरफ आपको हरियाली ही देखने को मिलेगी। हरे भरे नेचुरल प्लांट यहाँ पर रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे। रास्ते में बीच बीच में शॉप भी मिल जाएंगी जहाँ से आप अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल भी जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। रेस्ट करने के लिए आपको इस तरीके की बेंचें जगह जगह देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर ये सारी जो शॉप आपको बंद दिख रही हैं, ये पूरी मार्केट भरी हुई होती है। अगर आप सीजन में यहाँ पर आते हैं यानी कि सावन के महीने में शिवरात्रि के टाइम पर, और गर्मियों के दिनों में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और वीकेंड में सैटरडे संडे को तो यहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहती है। तो बीच बीच में कुछ इस प्रकार के ये आपको होटल रेस्टोरेंट और आपकी जरूरत के खाने पीने के सामानों की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम झिलमिल गुफा पर, जिसके लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया ट्रैक करने में। और ये सामने आप देख सकते हो झिलमिल गुफा का गेट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलो अब दर्शन करते हैं अंदर झिलमिल गुफा के। तो दोस्तों ये देख सकते हो पूरी यहाँ पर गुफा बनी हुई है, ये देख सकते हो आप ये सामने ऊपर तस्वीर। चारों तरफ ये पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच में ये पूरी गुफा के अंदर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। पूरी मड़ी है यहाँ पर, पूरे पहाड़ के अंदर ये गुफा देखने को मिलेगी। सामने बाबा जी का धुना आप देख सकते हैं और इधर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले इसी प्रकार से नाग रहा करते थे। तो आप नीलकंठ महादेव पर आते हैं तो आप झिलमिल गुफा ज़रूर से आएँ। तो दोस्तों झिलमिल गुफा तक का हमारा ट्रैक पूरा हो चुका है और काफ़ी मज़ा आया ट्रैक करने में। पैदल ट्रैक किया पूरा और काफ़ी ज़्यादा रास्ते में उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, कहीं पहाड़ी से उतरना पड़ा कहीं पर चढ़ना पड़ा। तो फाइनली झिलमिल गुफा मैंने आपको दिखा दी है और अब इससे भी आगे एक ट्रैक और बचता है गणेश गुफा, जहाँ पर स्वयं गणपति महाराज प्रकट हुए थे। तो उस गुफा तक का जो ट्रैक है वो ज़्यादा कठिन नहीं है। झिलमिल गुफा से 500 मीटर की दूरी पर यानी आधा किलोमीटर आगे आप जाते हो तो आपको गणेश गुफा देखने को मिल जाएगी। यह है झिलमिल गुफा पर्वत। इधर की साइड से हमने झिलमिल गुफा के दर्शन किए और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर गणेश गुफा के लिए इधर मार्क हो रखा है। तो इधर की साइड और चलते हैं और करते हैं गणेश गुफा के दर्शन। तो दोस्तों इन हसीन वादियों को देखते देखते, कड़ी चढ़ाइयों को चढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, गणेश गुफा पर हम आ चुके हैं। तो अंदर चल के आपको गणेश गुफा के भी दर्शन कराता हूँ। उससे पहले आप इधर की साइड देखो फ्रेंड्स, गणेश गुफा के जस्ट साइड में आपको इतनी गहरी खाई है, अगर कोई धोखे से भी यहाँ पर गिर जाता है, रपट जाता है, तो उसकी हड्डियाँ भी नज़र नहीं आने की।
और इधर की साइड देखोगे तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे जो मानो आसमान को छू रहे हों। इन हसीन वादियों को देखते देखते, इन हसीन नज़ारों को देखते देखते कब मैं गणेश गुफा तक पहुँच गया मुझे पता ही नहीं लगा। ट्रैक बहुत ही मज़ेदार था। अब फाइनली दर्शन करते हैं गणपति पप्पा के और यहाँ से वापसी चलते हैं नीलकंठ महादेव तक। यह है गणपति पप्पा जो यहाँ पर स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ये जो शिला है, इस शिला के अंदर ही ये यहाँ पर गणपति पप्पा प्रकट हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर स्वयंभू गणपति महाराज मंदिर या गणपति गुफा इन्हें यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि जिनकी तस्वीर या मूर्ति बनाई जाती हैं तो वो तो एक बनाई हुई कारीगरी हो गई, लेकिन यहाँ पर ये स्वयं प्रकट हुए हैं तो इसलिए ये एक चमत्कारिक स्थान है। तो एक बार आप गणपति बापा के दर्शन करने ज़रूर से आना। ये जो ट्रैक है काफ़ी सुंदर ट्रैक है, रास्ते में काफ़ी हसीन वादियों के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर देवी माँ की गणपति पप्पा की कृपा हो और आशीर्वाद हो उसे कुछ हो ही नहीं सकता, थकान महसूस हो ही नहीं सकती, वो आराम से पहुँच सकता है।